आज हम नोटिंग और ड्राफ्टिंग जो हमारे कार्यालय के कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे कार्य के संपादन के लिए एक ये महत्वपूर्ण माध्यम है नोटिंग और ड्राफ्टिंग। जैसा हम सभी जानते हैं, हम सभी कर्मचारी नोटिंग और ड्राफ्टिंग सदा अपनी फाइलों में हम करते रहते हैं, तो इसके बारे में हम आज आपको थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले मैं नोटिंग यानी कि टिप्पणी के बारे में बात करूंगी। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी वो है जिसमें हम टिप्पण, छोटे या बड़े टिप्पण करते हैं अपनी फाइलों पर, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं फाइल के ऊपर, उसके माध्यम से हम अपनी फाइल पे बात रखते हैं और वो बात हमारे अधिकारियों तक पहुंचती है और अधिकारी उस पर निर्णय या आदेश देते हैं। तो इस प्रकार टिप्पणी हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी फाइल का, जिसको हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। टिप्पणी की आवश्यकता क्या है? टिप्पणी की आवश्यकता इसीलिए है कि हमारा कार्य अच्छे से संपादित हो, सरलता सुगमता से संपादित हो और सही निर्णय लिया जा सके अधिकारियों द्वारा। जो विचाराधीन पत्र होते हैं उनका सरलता और सुगमता से निस्तारण किया जा सके, इसके लिए टिप्पणी, बहुत अच्छी टिप्पणी की आवश्यकता होती है। और किसी भी अधिकारी को अगर अंतिम निर्णय या आदेश लेना हो तो वो जो टिप्पण है वो बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार का टिप्पण हमने लिखा है। भविष्य में भी यदि कोई मामला, उसका पुनः उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है कभी भी, तो उसके लिए उस टिप्पणी को देखा जा सकता है। इसलिए भी उस टिप्पणी को अच्छे से लिखा जाना बहुत आवश्यक है। टिप्पणी लिखने के फायदे क्या हैं? टिप्पणी के फायदे हैं कि कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आशय को व्यक्त कर सकें। कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को रख सकें। अधिकारियों को कम समय में, उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, बहुत सी फाइलें देखनी होती हैं, कम समय में उन्हें अपना निर्णय लेने में आसानी हो। अगर हम सरल शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बातों को, पूरी बात को रख देंगे टिप्पणी में, तो अधिकारी कम समय में ही अपना निर्णय ले सकेंगे। सभी तथ्यों को, सही गलत सभी को वास्तविक रूप से हम उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं टिप्पणी में। और टिप्पणी में एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से, क्रम से हर चीज़ को लिखें। जो चीज़ हमने अपनी फाइल पर प्रस्तुत की है, जो भी दस्तावेज हमने फाइल पर प्रस्तुत किए हैं, उनको जिस क्रमांक से लगाया है उसी क्रमांक को टिप्पणी में भी अंकित करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम टिप्पणी में इस बात को अंकित नहीं करेंगे कि ये हम जो बात कर रहे हैं, वो दस्तावेज या वो कागज़ हमने किस तरफ लगाया है फाइल में, किस क्रमांक पे लगाया है, तो उसको समझने में आसानी नहीं होगी, अधिकारी का समय उसमें व्यर्थ जाएगा। तो कम समय में सुगमता से काम हो तो टिप्पणी लिखना बहुत ही आवश्यक है। अच्छी टिप्पणी कम शब्दों में, सरल शब्दों में लिखना आवश्यक है। टिप्पणी के कुछ प्रकार होते हैं। टिप्पणी के प्रकार हैं, जैसे पहला मैं बताऊंगी कि प्रशासनिक या नेमी टिप्पणी। प्रशासनिक या नेमी टिप्पणी वो टिप्पणी होती है जिसमें संक्षिप्त रूप से हम छोटी छोटी बातों को के लिए हम उसको लिखते हैं, वो प्रशासनिक टिप्पण होता है। सामान्य टिप्पण जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपनी फाइलों में जिस टिप्पण को करते हैं अधिकाधिक, वो सामान्य टिप्पण होता है। सामान्य टिप्पण वो होता है जो सरकारी कार्यालयों में पत्र या कोई भी मामले जो पहली बार हमारे पास आते हैं, उसको जब हम फाइल पर प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए जो टिप्पण लिखा जाता है पहली बार आए हुए मामले या पत्र के लिए, उसको सामान्य टिप्पण कहते हैं। पूर्व में इसका कोई भी संदर्भ नहीं होता है, इससे पहले वो नहीं आया होता है या उसका कोई भी संदर्भ नहीं होता है। पहली बार आए हुए मामलों को हम जो उसके लिए टिप्पण लिखते हैं उसको सामान्य टिप्पण कहा जाता है। फिर होता है अनुभागीय टिप्पण या विभागीय टिप्पण। अनुभागीय टिप्पण और विभागीय टिप्पण क्या होता है? ये वो टिप्पण होता है कि जो विभिन्न विभागों या विभिन्न अनुभागों के बीच में हमें कई बार पत्राचार करना पड़ता है। कुछ तो ऐसे टिप्पण होते हैं जो हमें आंतरिक अपने अनुभाग में ही करने होते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य विभागों या अन्य अनुभागों के साथ हमें पत्राचार करना पड़ता है, उसके लिए जो टिप्पण लिखे जाते हैं उनको विभागीय या अनुभागीय टिप्पण कहा जाता है। विभिन्न विभागों या अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करने हेतु हमें इन टिप्पणों को लिखना होता है।
इसमें अगर हमें अलग अलग आदेश अलग अलग लेने हैं तो अलग अलग टिप्पण, उसका अलग अलग टिप्पण हमें लिखना होगा। अगर एक ही मामले में कई अलग अलग आदेश लेने हैं, एक मामला है लेकिन आदेश अलग अलग है, तो अलग अलग टिप्पण लिखा जाना चाहिए। संपूर्ण टिप्पण, संपूर्ण यानी डिटेल, विस्तृत या डिस्क्रिप्टिव टिप्पण, ये टिप्पण होता है कि जो हम कोई पूर्व संदर्भ को लेकर अगर हम कोई टिप्पणी किसी मामले में करते हैं, यदि कोई मामला पहले का है, पुराना है, उसका संदर्भ लेते हुए हमें टिप्पणी करनी है तो हमें विस्तृत टिप्पण की आवश्यकता पड़ती है। विस्तृत टिप्पण क्या है कि हम उसमें पूर्व का जो संदर्भ है उसको देते हुए, पूरी विस्तृत बात रखते हुए, तथ्यों को सही गलत सारे तथ्यों को रखते हुए, विश्लेषणात्मक उसका विश्लेषण करते हुए, उस पद्धति के साथ हम पूरी बात को रखते हैं और वो बात हमारे अधिकारी तक जाती है और उन्हें आदेश या निर्णय देने में सुगमता होती है अगर हम विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं टिप्पण के रूप में। इसको संपूर्ण टिप्पण कहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं मामलों में किया जाता है जो पूर्व के संदर्भ जिसमें देने की आवश्यकता हो। इसके बाद आता है सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण क्या होता है? सूक्ष्म टिप्पण होता है जिसको बहुत दो तीन शब्दों में लिखा जाता है, वो टिप्पण होते हैं सूक्ष्म टिप्पण। जैसा एक तो मैंने आपको बताया विस्तृत में है, विस्तृत में तो हमने पूरी बात लिखी। सूक्ष्म टिप्पण होता है जब हमने सारी बात ऊपर आ गई है टिप्पणी में और नीचे सिर्फ लिखना है, मान लीजिए मुख्य कार्यालय अधीक्षक को लिखना है कि सम्मति हेतु या अवलोकनार्थ या आदेशार्थ, इस एक दो शब्दों में अगर लिखा जाता है तो उसको सूक्ष्म टिप्पण कहते हैं। सूक्ष्म टिप्पण अधिकारी द्वारा भी किया जाता है। अधिकारी द्वारा सूक्ष्म टिप्पण किस प्रकार होता है? हम लोग जो करते हैं, जो कर्मचारी लिपिक मुख्य कार्यालय अधीक्षक कोई भी अगर करता है तो वो करता है स्वीकृति के लिए, सम्मति के लिए, आदेशार्थ, अनुमोदनार्थ। परंतु अधिकारी महोदय उसी टिप्पणी पे जब आदेश दे देते हैं, निर्णय ले लेते हैं, तो वो लिखते हैं स्वीकृत, अनुमोदित, देख लिया, ठीक है, या मैं सहमत हूं इत्यादि। ये सब हुए सूक्ष्म टिप्पण। इसके बाद आता है अनौपचारिक टिप्पण। अनौपचारिक टिप्पण या इनफॉर्मल टिप्पण, ये क्या होता है? ये होता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच बीच में जो हम पत्राचार करते हैं उसके लिए अनौपचारिक टिप्पण लिखा जाता है। अनौपचारिक टिप्पण, टिप्पणी के कई भाग हैं। टिप्पणी के कई भाग, तीन भाग हैं। पहला भाग जिसमें संक्षिप्त विवरण टिप्पणी का देना आवश्यक होता है, संक्षिप्त में कि हम किस बारे में ये टिप्पणी करने जा रहे हैं। दूसरा टिप्पण होता है जो मुख्य बिंदु है, जिसके बारे में हम उसमें टिप्पणी करेंगे, मुख्य क्या है, उसके तथ्य क्या क्या है, सही अथवा गलत, नियम क्या है, उससे संबंधित जो भी नियम है वो क्या है, वो सभी नियम, तथ्य, मुख्य बिंदु सब उसका मुख्य भाग होगा। दूसरा भाग, पहला भाग होगा संक्षिप्त विवरण, दूसरा भाग होगा मुख्य विवरण, और तीसरा भाग होगा कि प्रस्ताव, संस्तुति या सलाह के रूप में कि हम ये प्रस्ताव रखते हैं या इसकी संस्तुति करते हैं या ये सलाह देते हैं, इस प्रकार से हम उसको अंत करते हैं। तीन भाग में अपनी टिप्पणी को लिखा जाता है। टिप्पण की विशेषताएं क्या है? टिप्पण की विशेषताएं ये होती है कि हमें टिप्पण कभी भी लंबा नहीं लिखना चाहिए। टिप्पण हमेशा संक्षेप में, संक्षिप्त स्पष्ट होना चाहिए, कम शब्दों में परंतु पूरी बात हमारी पहुंच जाए, संक्षिप्त में और स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी कोई भी टिप्पणी ओरिजिनल मूल पत्र कोई भी हो उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा अलग से करना चाहिए टिप्पणी को। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मूल पत्र आया और उसी पे ही हम अपनी टिप्पणी करने लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा टिप्पणी अलग से किसी कागज पर ही होनी चाहिए। किसी भी पत्र का, कोई भी पत्र अगर आया है उसका खंडन किया जाना है, मान लीजिए आपको लगता है कि ये पत्र में गलत बात लिखी है या ये ठीक नहीं है, आपके अनुसार नियमानुसार नहीं है या इस तरह का कुछ भी, तो उस बात का खंडन करने के लिए हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप, आक्षेप उसमें टिप्पणी में नहीं आना चाहिए। ये सब खास बातें हैं जो टिप्पणी में ध्यान रखना आवश्यक है।
एक ही मामले में अगर कई एक ही मामला है लेकिन उसमें कई बातों पर कई बातें हैं, मामला एक है कई बातें हैं, कई बातों में अलग अलग आदेश हमें चाहिए, अलग अलग आदेश चाहिए, तो उसके लिए हमें अलग अलग टिप्पण करने होंगे, अलग अलग आदेश के लिए अलग अलग टिप्पण, भले ही वो मामला एक ही हो। इसके बाद पत्रावली में जितने पत्र लगे हैं, पत्रावली आपने जो भी प्रस्तुत की है जिसके लिए आप टिप्पणी लिख रहे हैं, उसमें जितने भी पत्र प्रस्तुत किए, जो भी दस्तावेज लगाए हैं, उन सभी पे क्रमांक होना चाहिए और टिप्पण में अपनी आपकी जो टिप्पण है टिप्पणी है उसमें उसी के प्रकार उसी हिसाब से उसी के अनुसार क्रमांक अंकित होने चाहिए, जिससे सक्षम प्राधिकारी को आसानी हो सके कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस जो टिप्पण कर रहे हैं वो आपने पत्र किस क्रमांक पर अंकित किया है, जिससे वो उसको तुरंत पढ़ के और जल्दी निर्णय ले सके। इसके बाद आता है पत्र के प्रकार। पत्र कई प्रकार के होते हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, जैसा हम लोग सुनते रहते हैं कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश या आदेश, ये अलग अलग कार्य के लिए ये हमें पत्र लिखने होते हैं। शासकीय पत्र क्या होते हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी कि शासकीय पत्र क्या होते हैं। शासकीय पत्र होते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य जो पत्राचार किया जाता है, जिन पत्रों के माध्यम से, वो शासकीय पत्र होते हैं। और इनकी इनकी विशेषता क्या होती है, इन्हें किस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये लेटर हेड पे होने चाहिए, लेटर हेड पे होने चाहिए, इन पे फाइल नंबर होना चाहिए, आपका पत्र का नंबर होना चाहिए, और पत्र व्यवहार जो किया जा रहा है उसका दिनांक होना चाहिए, किस तिथि को किया जा रहा है, और प्रेषक का नाम होना चाहिए, और उसका पता होना चाहिए, पदनाम होना चाहिए, विषय होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, जैसा कि हम सभी पत्रों में लिखते हैं, और अभिवादन होना चाहिए। शासकीय पत्रों में अभिवादन का खास महत्व है। सरकारी कर्मचारी अगर हैं जिनको हम पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान से संबोधित किया जाता है, गैर सरकारी को श्रीमान गण। मुख्य विषय होता है, इसके बाद आता है हमारा पत्र का मुख्य विषय, जिसको बिंदुवार में लिखना होता है, बिंदु बिंदु के हिसाब से ही लिखना होता है, अलग अलग पैरा में, अलग अलग पैरा में, अलग अलग बिंदु पर हमें बात लिखनी है, संक्षिप्त में, सरल भाषा में ही पत्र को लिखना है। नाम एवं हस्ताक्षर जहां होगा वहां पर आएगा योर्स फेथफुली, और नाम और सिग्नेचर हस्ताक्षर। इसके बाद आता है अर्धशासकीय या डेमी ऑफिशियल या डीओ लेटर, जैसा कि हम लोग सभी सुनते हैं, डीओ लेटर सभी को पता है, तो ये होता है डेमी ऑफिशियल या डीओ लेटर। इसमें अधिकारी व्यक्तिगत रूप से नाम से संबोधित करते हैं, संबोधित करते हुए ये पत्र लिखते हैं, और ये आवश्यक कार्यों के लिए, आपसी पत्राचार के लिए होता है। इसके बाद होता है कार्यालय ज्ञापन। कई बार ज्ञापन जारी होता है, सरकारी महत्वपूर्ण निर्देश जो होते हैं कार्यालय के, सरकारी महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं और स्पष्टीकरण होते हैं, उनको जारी करने के लिए ज्ञापन दिया जाता है। कार्यालय आदेश जारी होते हैं। कार्यालय आदेश क्या होते हैं, महत्वपूर्ण आदेश जारी करने हेतु कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं, जैसे आंतरिक निर्देश, इंटरनल जो निर्देश होते हैं उनके लिए होता है, जैसे नियमित अवकाश के लिए होता है, और कर्मचारियों अधिकारियों एवं अनुभागों के बीच में कार्य का वितरण किया जाता है उसके लिए कार्यालय आदेश जारी होता है, स्थानांतरण इत्यादि के लिए कार्यालय आदेश जारी होते हैं। इसके बाद आता है आदेश। आदेश पत्र यानी कि जिस प्रकार से जैसे अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि की जाती है तो एक आदेश पत्र जारी होता है, जिसको हम NIP कहते हैं। इसी प्रकार से और अन्य आदेश भी जारी किए जाते हैं कार्यालय के कार्य। इसके बाद अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है, आवश्यक नियमों, नियुक्तियों, प्रमोशन, स्थानांतरण या किसी भी समिति या कमेटी का गठन किया जाता है तो उसके लिए भी अधिसूचना जारी की जाती है। अनौपचारिक ज्ञापन या नोट क्या होता है, अनौपचारिक
ज्ञापन या नोट होता है जिस जो औपचारिक रूप से ना लिखा जाए ना किया जाए उसको अनौपचारिक कहते हैं। फिर आता है ईमेल। ईमेल जैसा कि हम लोग सब आज इससे परिचित हैं, ये पत्र व्यवहार का एक आधुनिक माध्यम है। इससे बहुत सरलता से आसानी से जल्दी हम पत्र व्यवहार कर पाते हैं। इसमें प्रेषक और रिसीवर दोनों का ईमेल होना चाहिए। अब आते हैं हम ड्राफ्टिंग या प्रारूप पे। जैसा कि नोटिंग आपको बताया, जितना आवश्यक नोटिंग है उतना ही आवश्यक कार्यालय के कार्य में ड्राफ्टिंग भी होता है। ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप, जिन मामलों में कार्यवाही के बारे में स्पष्ट नहीं होता है कि ये उसमें सुधार की कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है, तो उस मामलों में हमें ड्राफ्ट लिखना होता है। यदि कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होती, एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ ये ड्राफ्ट ऐसे ही बनना है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बना दिया जाता है। परंतु जिसमें लगता है कि कहीं पे हो सकता है अधिकारी द्वारा कुछ सुधार किया जाए, तो हम ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हैं। ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हैं, उसमें अधिकारी आवश्यक सुधार के बाद उसको अनुमोदित करके हस्ताक्षर कर देते हैं। यदि कोई सुधार होती है तो सुधार करके उसको वापस करते हैं, पुनः हम उसको ठीक करके प्रस्तुत करते हैं और अनुमोदन के उपरांत हस्ताक्षर कर दिया जाता है। ड्राफ्टिंग की शैली क्या होनी चाहिए? आपका जो प्रारूप है उसकी भी एक शैली होनी चाहिए कि आपकी जो अभिव्यक्ति है या विचार है, जो भी आप उसमें अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी ड्राफ्टिंग में लिख रहे हैं, ड्राफ्ट लेटर में, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। आप जो भी लिख रहे हैं उसको एक ही बार, एक चीज एक ही बार आए, ये नहीं कि आपने कुछ लिखा उसको फिर दूसरे पैरा में उसकी पुनरावृत्ति किसी ना किसी रूप में करें। जटिल वाक्यों की बजाय सरल वाक्यों, सरल शब्दों को का प्रयोग करें, जिससे वो स्पष्ट होता है और समझ में आता है। और बिंदुवार होना चाहिए, ड्राफ्ट हमेशा आपका बिंदुवार होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, प्रभावी तरीके से आप उसे प्रस्तुत करें, जिससे अधिकारीगण उसको समझ के तुरंत निर्णय ले लें और तुरंत उसको अनुमोदन करके हस्ताक्षर कर सकें, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश ना रह जाए। ड्राफ्टिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है फ्लैगिंग करने का या पर्ची लगाने का। आपने ड्राफ्ट जहाँ जिस क्रमांक पर प्रस्तुत किया है उस पर फ्लैग लगा के, आपको फ्लैग लगा के अप्रूवल के लिए भेजना चाहिए। और ड्राफ्ट की मंजूरी के लिए, अप्रूवल के लिए जब आप भेजें, तो जो स्लिप लगाएंगे वो डीएफए लिख के वो स्लिप लगाएंगे। यदि एक से ज़्यादा ड्राफ्ट आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो DFA 1, DFA 2, DFA 3, इस प्रकार से आप संलग्न कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नोटिंग ड्राफ्टिंग का यह चैप्टर समाप्त करती हूँ। यदि आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।